इस गोले का रूला याद है ना तुम्हार को? ये कहा है? सेल्फ डिफेंस। अच्छा, सेफ्टी। चल चले। अरे उधर घंटुआ नहीं है, इधर घंटुआ है। चल। जब पीके अपने स्पेसशिप पर आ रहा होता है तो साफ नजर आ रहा है कि नीचे कोई भी रेलवे लाइन नहीं जा रही, पर जैसे स्पेसशिप से बाहर आता है तो सामने से ट्रेन जा रही होती है। यार वैसे ही अगर पीके नंगा चलता हुआ आ रहा है, पर जरा जूम करके देखें कि ये रियल में नंगा था या नहीं। जूम प्लीज थोड़ा। ओ बस बस, ओ इसने तो रियल में कुछ नहीं पहना। वाह भाई, और तुम्हें बड़ा शौक है जूम मार मार के और देखने का। गंदे बच्चों, इस बापे में वैसे बड़े गट्स हैं जो एक नंगा बंदा भागते हुए इसकी तरफ आ रहा है और ये देख ही जा रहा है। इमेजिन करो आप एक रेगिस्तान में। अच्छा चलो रेगिस्तान छोड़ो भाई, रोड पर ही हो और ऐसे भागता हुआ कोई आपकी तरफ आए तो क्या करोगे भाई? जो सीधी बात, अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैंने तो भाग भाग डिग्गे बॉस बन जाना है। इसी में रेडियो इस बापे की शोल्डर के साथ बना हुआ है और इसने इस हाथ से इस ट्रेन के डब्बे को पकड़ा हुआ है, पर जब सामने आता है तो रेडियो तो पीके के हाथ में है, जबकि इस बाबे ने अपने इस हाथ से डब्बा भी तक छोड़ा ही नहीं। जादू। अबे यार जादू से याद आया, आपको पता क्या, हमारा जादू तो पीके फिल्म में आया, इसका भी बहुत बड़ा रोल था मूवी में। है भाई? हाँ, आपको इसलिए नजर नहीं आया क्योंकि पीके ने रेडियो से नहीं हटाया। जोकिंग रे। इसी में जब वो एक्टिंग कर रही है कि इसने वायर लॉक उतारा और अब साइकिल पे लगा रही है, और अगर हम गौर करें तो इसके हाथ में तो कोई वायर लॉक है ही नहीं। वाह भाई, फिल्मी सीन्स के साथ फिल्म में बेल्जियम जैसे जगह में ये टकला खुले और ब्लैक टिकट सेल कर रहा है। टिकटे भाई, ये सिर्फ एक ही टिकट है, 96 यूरो हो गए अब इनके पास, और अब जग्गू मक्खन लगा रही है। वैसे ब्रो ना कहते तो शायद टिकट दे ही देता। यहाँ जग्गू सरफराज की आवाज सुनकर उस पर फ्लैट हो रही है, पर ये जो साथ म्यूजिक आ रहा है वो कि सरफराज ने अपने मोबाइल पर लगाया है। अब जग्गू और सरफराज के पीछे सिक्योरिटी लग गई है और वो भाग रहे हैं और सरफराज जग्गू की साइकिल पकड़ कर निकल जाता है। अब पहली बात तो ये कि सरफराज को कैसे पता चला कि जग्गू की साइकिल कहाँ है, क्या है भी या नहीं? और दूसरी बात तो ये कि जग्गू ने तो साइकिल पर लॉक लगाया था। आई नो एक्टिंग वाला, पर था तो सही ना? तो क्या इतनी जल्दी उन्होंने लॉक खोल भी लिया, क्योंकि उनके पीछे गार्ड पड़ा हुआ था। यार ये वैसे सही होता है, एक ही दो मिनट के गाने में प्यार हो गया और इधर 2 साल निकल गए, फिर भी लड़की कहती है आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। यार वैसे कितना अजीब लगता है ना कि विराट की वाइफ धोनी के साथ रोमांस कर रही है। अगेन जोकिंग थे। हम सब ने सीन देखा जब जग्गू ने तपस्वी जी की कॉल कट, पर किसी ने ये नोट नहीं किया कि जग्गू ने तपस्वी जी को उंगली भी की। इसी में जग्गू टैक्सी में बैठ गया और ड्राइवर कहते हैं कहाँ जाए, तो वो कहती है ओ भाई ये टैक्सी है, प्लेन नहीं है, जो सीधा दिल्ली जाना है। जब पीके यहाँ से जा रहा था तो इस दीवार पर कुछ भी नहीं लिखा, और जब दोबारा आता है तो उसी दीवार पर ये लिखा होता है। जब इस बंदे ने पीके को देखा तो ये पैसे अंदर डाल रहा था, निकाल नहीं रहा था, तो फिर ये कैसे चोर चोर का शोर मचा सकता है? चलो माना कि मुंह पर कोई ना मारे तो पीके ने ये कर दिया, तो भाई पेड़ पर भी तो मुक्के घूसे मार सकते है ना। इसी में पीके कहता है कि नहीं है। अरे भैया अभी मियाँ जी और जोनी भाई भी तो इसी के गोले के तो नहीं? अरे प्लीज हमका भी इसके गोले पर जाना, हमका भी कोई इसके गोले पर छोड़ाओ। पीके ने डांसिंग कार में सिर्फ ये चीजें उठाई थी, तो फिर इसके बाद ये जूते कहाँ से आ गए? एक्सप्लेन प्लीज। पीके के सारे पंपलेट एक ही दीवार पर लगाने का रीजन क्या हो सकता है? एक कहीं और एक कहीं और बंदा लगा देता है, और यहाँ तो 10-20 एक ही साथ लगा दिए। इसी में सब लोग पीके के पीछे पड़े हुए और भाइयों आगे से पकड़ कर इसे कवर कर लेता है, पर भाइयों के कपड़वा भी तो सेम है, फिर ये लोग भाइयों को इग्नोर क्यों करते हैं और सीधा निकल जाते हैं? इन्हें तो भाइयों को भी पकड़ना चाहिए था जो पीके को कवर कर रहा है। पीके का चप्पलवा हो गया है हाई, और चिड़कुट कहता है किसी और के ले जा, तो ये वो चप्पल पहन कर चला जाता है जो पहनने में बड़ी मुश्किल है, जबकि इसके सामने इतनी ज्यादा चप्पलें सेल पर लगी हैं। सब ऐसे ऐसे पीके पीके कहते क्यों थे? पागल भी तो कह सकते थे ना, या बेवड़ा कह देते, या ये कहते कि पी हुई है क्या, पर पीके पीके कहते मैंने तो कभी किसी को नहीं सुना। यार वैसे जितनी भी डांसिंग कार्स है इसी ब्रांड की क्यों है? इसी में सिर्फ 3 औरतों को कहता है कि
और पहाड़ इतनी ज्यादा औरतें जाती है इसके पीछे। ठीक है, बच्चे का ठप्पा चेक कर रहा होता है कि ये किस धर्म से है। डॉक्टर सिक्योरिटी को बुला लेता है और सिक्योरिटी देखो कैसे दांत निकाल निकाल कर पकड़ रही है। डॉलर के बाहर इस पोस्टर पे लिखा हुआ है कि शुरू करने के 5 रुपए और बड़ा वाला करने के 10 रुपए। पर पीके और ये बंदा अंदर जाते भी और बाहर भी आते पर इनसे कोई पैसा नहीं लेता। अब पीके इस बंदे के पीछे भागता भागता तपस्वी जी के सेट पर पहुंचता है और ये इसके साइड पर स्टेज है और जब कैमरा दूर से दिखा रहा था वहाँ कोई पीके होता ही नहीं। बम बम बोले पर अब अंग्रेज कब से बम बम बोलने लग गए। पीके का रेडियो हुआ तो वाटरप्रूफ निकला क्योंकि इतनी तेज बारिश के बाद भी झकास चलता है आगे भी। पीके जेल में जाने से पहले जग्गू को चेक करवाता है कि 1 रुपया भी नहीं है इसके पास। पर जैसे ही जेल से निकल कर आ रहे होते हैं तो ये अंकल को 600 रुपया दे देता है और वो अंकल जल्दी भी होते हैं तो निकल जाते हैं। पर जब पीके 2 मिनट बाद जाता है तो जग्गू पीछे देखती है तो वो अंकल भी पीछे ही होते हैं जबकि वो जल्दी में गए थे। पीके जग्गू को कहता है कि इसे जग्गू को इसलिए सब कुछ बता दिया क्योंकि सब ने इसे पैसे लिए पर जग्गू ने इसे पैसे दिए जबकि अंधा बंदा जो इसे दिया करता था। हमें पैसे ना देता हूँ पर पीके के लिए तो देता हूँ ना, तो क्या पीके ने उसे भी सब कुछ बता दिया होगा। इसी में सुबाई और बाहिरा जाने हो रही है और घड़ी में तो अभी 7:35 बज रहे हैं। अरे बापू ये कौन सा टाइम है अजानों का, इस टाइम तो कोई अजाने होती नहीं। और जग्गू को रॉन्ग नंबर आता है, वो उसे कहती भी है कि ये रॉन्ग नंबर है। फिर वो इसी के नंबर पर कॉल कर देता है जबकि उसने बता भी दिया था कि ये रॉन्ग नंबर है। पर ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना, जब कोई लड़की की आवाज सुन ले। इस मोटी की जेब से चेक करो घिरा क्या है यार, ऐसे लोग तो नीचे देखे तो पेट के अलावा कुछ नजर नहीं आता, तो इस चीज की क्या है। इसका तो पेट इतना मोटा है कि इसकी वाइफ के पेट पर बैठ के सिर्फ झूले लेती होगी। और जेब में देखो क्या रखा है। तपस्वी जंगल को कहता है कि हिमालय के पहाड़ों पर जाकर माथा टेको, शायद ये अंकल कर लेता तो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी शक्तियां आ जाती क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी तो ऐसे ही कहा था ना कि पहाड़ों पर जाओ। यहाँ पीछे बैठा कोई भी नहीं हंस रहा पर हंसने का साउंड इफेक्ट आ रहा है। नीचे देखिए न्यूज, अब ये है फिर ये हो जाती है फिर ये और अब ये, जबकि कंटिन्यू ट्रांसमिशन चल रही है। यार इस बंदे के पास कोई ना कोई शक्तियां तो है क्योंकि हमें इतने पास से इस चिटकुट अंकल की जेब में कोई सिगरेट नहीं नजर आ रही और इसे इतनी ऊपर से नजर आ रही। तपस्वी जी को इतने दूर से सिगरेट नजर आ गई पर यहाँ क्यों नहीं इसकी शक्तियाँ काम की जो सबका गलत गलत धर्म बता दिया। यार आप लोग पहले देखो कि अंदर कौन कौन आया है, देख लिया? अरे 5 लोग खड़े हुए हैं यहाँ, राइट। पर ये बंदा कहाँ से आ गया, ये तो ना यहाँ पहले खड़ा था और ना ही इनके साथ अंदर आया, फिर ये आया कैसे? एक्सप्लेन प्लीज। पीके की बॉडी से वो निशान गायब हो जाते हैं जो इसने मजलिस में छुरियां मारी थी। कैमरा इतनी दूर है और इनके पास कोई माइक भी नहीं, फिर भी कैमरा में एकदम फिट आवाज जा रही है इनकी। पीके दूरबीन से जग्गू को देख रहा है पर दूरबीन हटाता है तो तब भी जग्गू उतना ही पास होती है जितना दूरबीन में थी, तो फिर फायदा दूरबीन से देखने का? मेरी मानो ये दूरबीन में रॉन्ग नंबर है। इस बार पर शॉप के पोस्टर में देखो क्या लिखा है, हेयर डाई। ओ भाई टकला करना है क्या, हेयर डाई में डाई ये वाला नहीं बल्कि DYE वाला होता है। अब यहाँ आप सबको बताया कि हो क्या रहा है, पर विंडो को देखो, विंडो का शीशा ब्लर हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने अंदर AC ऑन किया था, इसका मतलब इन्होंने कार के अंदर AC लगाया हुआ था। पर स्पेशल पीके के लिए विंडो खोल कर रख दी कि आकर कपड़वा ले जाए हमारा। पर जब कैमरा बाहर से दिखाता है तो वो विंडो का शीशा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अब देखो सारी गाड़ियां एक ही ब्रांड की हैं, इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ होता है कि इसी ब्रांड की कार बेस्ट कार है क्योंकि ऐसे झटके यही कार सह सकती है, बाकी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स ही बाहर निकल जाएंगे इतने जालिमाना डांस से। ओ जालिमा, माना कि पीके ने फुलझड़िया का हाथ पकड़ के और उसकी भाषा सीख ली, पर पीके को लिखना कैसे आया? लिखने के लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, और अगर हम सपोज करें कि फुलझड़िया को लिखना आता था तो ऐसे क्या पीके किसी का भी हाथ पकड़ के उसका प्रोफेशन सीख जाएगा? मतलब कि अगर ये जॉनी सिंस का हाथ पकड़ लेता है तो ये क्या एस्ट्रोनॉट टीचर आर्मी मैन डॉक्टर सब बन जाएगा का? पीके के पास बॉम्ब फूटा है और पीके को इतना ज्यादा स्क्रैच नहीं आया। इसी में जग्गू कहती है कि अरे भाई होश ये है, शो इसने ऑर्गेनाइज करवाया, सब ऑडियंस इसने बुलाई, पोस्टर छुपवा दिए पूरे शहर में और कहती है जरूरत नहीं भैया ये भी रॉन्ग नंबर लगेंगे। जग्गू ने सारे कॉन्टेक्ट नंबर ऐसी पिक्चर्स के साथ क्यों सेव किए जैसे आईडी कार्ड पे पिक्चर्स नहीं होती? अब आप खुद ही देख लो भाई, यार ऐसे आईडी कार्ड वालों को भी कैंडी कैम यूज करना चाहिए, इतनी बुरी इंसान की रियल में शक्ल नहीं होती जितनी आईडी कार्ड पर खींच कर लगा देते हैं। जग्गू बेल्जियम यूनिवर्सिटी में फोन करके पूछती है कि सरफराज से बात करनी है, तो वो उसी टाइम कहती है कि वो लास्ट ईयर पाकिस्तान चला गया।
आयमन सर फराज था या शाहरुख खान, जो इसने रिकॉर्ड भी नहीं चेक किया और एकदम ही आंसर दे दिया। अबे पाकिस्तान एम्बेसी फोन करती है तो ये अकेली भी तो बता सकती थी ना सब कुछ, पर इसने पूरे ऑफिस को बुलाने की क्या जरूरत थी। और सरफराज को फोन करती तो सरफराज ने बिल्कुल डिटो वही कपड़े पहने होते हैं जो मूवी के फर्स्ट सीन में पहने थे, मतलब जब ये जग्गू से फर्स्ट टाइम मिला था। आई मीन वही शर्ट, वही स्वेटर, इवन के पेन भी वही डाला हुआ जहाँ पहले था। इस सीन में जग्गू कैसेट को लगाकर रिकॉर्डिंग सुन रही होती है तो यार इतनी क्लियर वॉइस, ये क्या प्रोफेशनल माइक से रिकॉर्ड की थी? ऊपर से इधर उधर कोई नॉइस भी नहीं है। जब ये बातें हुई पीके के साथ, अब उसके पास कोई रिकॉर्डर तो था नहीं, तो उसने सब बातें रिकॉर्ड कैसे कर ली? जब जग्गू कैसेट निकालती है तो कैसेट के ऊपर कोई कवर नहीं चढ़ा हुआ, और जब वापस रखती है तो कवर वह ऊपर आ जाता है। अब ये पिक्चर इसने कब ली? क्योंकि पीके जब जा रहा था तब जग्गू के हाथ में तो कोई कैमरा था नहीं, तो फिर ये पिक्चर ली किसने? अरे हमारा भाई की फोटो हम ली ना। यार वैसे कितनी इंसल्ट होती है ना कि हॉल में सिर्फ आप तालियां बजा रहे हो और बाकी कोई बजाए ही ना। अब एक साल बाद पीके फिर आया है। यार मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो सुपर हीरो वाले भाई लोग होते हैं जैसे सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन, ये सिर्फ अमेरिका में ही लड़के क्यों कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया बचा और सारे एलियन थानोस वगैरह अमेरिका में क्यों आते हैं यार? और पीके भी एक साल बाद आया और वहीं आया जहां पिछले साल आया था। इस बार ये पैरिस चला जाता है या अमेरिका जाकर अवेंजर से ही मिल लेता। पेशी पर आते हुए कहता है कि आप लोग रिमोट का छुपा लेना क्योंकि ये चोरी भी हो सकता है, पर जब नीचे आते हैं तो रिमोट तो लगा ही होता जब पहले लगा था। पर यार अब रिमोट अगर चोरी हो भी जाए तो क्या होता है? मतलब इतने सारे लोगों के पास तो रिमोट है और किसी भी रिमोट से स्पेसशिप मंगवा लो तो फिर चोरी हो भी जाए तो इनका तो कुछ नहीं जाएगा ना। दोस्तों पसंद आया ना? ऐसे ही प्यारे प्यारे लाजवाब वीडियोस देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना। हम और भी मजेदार वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे।